ब्यूटीफुल लेडी, आपने देखा होगा बिग बॉस में मैंने इनको एक बहुत बड़ा सा रोज दिया था टास्क जब मैं जीता था। आज आपके बदौलत, IWM बस के बदौलत, जो कि फरवरी वैलेंटाइन डे का वैलेंटाइन मंथ है, आपकी वजह से मैंने आज माहिरा जी को रोज दिया है। सो फर्स्टली गाइज वेलकम टू IWM बस। वैलेंटाइंस डे इज ऑन द वे, सो आई एम योर बस। आप एक प्यारे वे से माहिरा को प्रपोज कर देना, प्रपोज डे भी आ रहा है। सो मैंने बिग बॉस में प्रपोज नहीं किया, मैं अभी प्रपोज करूंगा IWM बस पे। वाह, देखो प्रपोज की बात नहीं है, शी इज माय वेरी गुड फ्रेंड, ब्यूटीफुल लेडी। आपने देखा होगा बिग बॉस में मैंने इनको एक बहुत बड़ा सा रोज दिया था टास्क जब मैं जीता था। आज आपके बदौलत, IWM बस के बदौलत, जो कि फरवरी वैलेंटाइन डे का वैलेंटाइन मंथ है, आपकी वजह से मैंने आज माहिरा जी को रोज दिया है। थैंक यू सो मच बिग बॉस के बाद। इसलिए मुझे कभी एक छोटा फूल तोड़ के भी नहीं दिया, ये आपके थ्रू मुझे ये मिला है। आई एम रियली थैंक यू IWM बस। बिग कांग्रेचुलेशन फॉर दिस न्यू सॉन्ग, ऑलरेडी ऑडियंस को काफी ही पसंद आ रहा है। 4.4 मिलियन व्यूज है। Love you all and keep streaming more so that जैसे हमारा गाना 400 मिलियन हो जाए। क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया प्यार देने के लिए। बस इस तरह आपने वैलेंटाइन का मौका है पर आपने एक सैड सॉन्ग लाया, इस पे क्या बोलना चाहोगे? जहाँ लोग रोमांटिक सॉन्ग का वेट कर रहे हैं, वहीं एक दुख भरा गाना भी है। जिसकी वाइफ ऑफ हुई थी उनके नाम पे जानते हो, यू आर राइट, आप एक्चुअली बिल्कुल सही हो। पर ठीक है, अभी वैलेंटाइन डे पूरा वर्ल्ड अब अलग तरीके से मनाता है और अब हम भी मजबूर हैं वैसे मनाने के लिए, है ना? तो बस हाँ, ये जो गाना है बेसिकली सब भी मजबूर है यार। एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट वैलेंटाइन डे, क्योंकि फरवरी शुरू हो गया है। अभी चॉकलेट डे, टेडी बियर डे, स्लैप डे, हग डे, किस डे, फिर वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे क्या होता है वैसे? बाकी सब डे हग किस ये सब होता है, वैलेंटाइन डे को क्या होता है? शादी। 14 फरवरी के एकदम 9 मंथ्स बाद चिल्ड्रंस डे आता है। एनीवे हाँ, तो आप कुछ करना चाहेंगे आगे? ये जो हमारा गाना है, इट्स अ सैड सॉन्ग, स्टोरी है ये। जैसे कि हमने बोला कि पहले हमने स्टोरी सुनी थी, मैंने स्टोरी सुनी थी और मैंने स्टोरी सुन के बोल दी कि इट्स अ फिल्म, सो वी आर डूइंग इट। उसके बाद जो हमने गाना सुना, तो गाना भी बहुत अच्छा है जो कि स्टोरी को बिल्कुल रिलेट करता है। और वैलेंटाइन के लिए ये गाना नहीं है बेसिकली, हो सकता है हमारा वैलेंटाइन से पहले शायद कोई और गाना है। बट लेट्स टॉक अबाउट जिन्ना रोइंगे राइट नाउ। टिप्स वाले हैं ना, साथ में तो बाहर निकाल देंगे। ओके, जब लुक की बात किया जाए, आप दोनों ही काफी अलग दिख रहे हैं, पीपल आर अप्रिशिएटिंग योर लुक्स आल्सो, तो क्या बोलना चाहोगे? कितना अलग लगा ये लुक में आने के लिए एंड कितना आप लोग ने इनपुट दिया अपने ये लुक के लिए? यार इनपुट देखो ना, कैसे मैंने अपना थोबड़ा बनाया, मैं टू बी ऑनेस्ट मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ था, ये आंखों के नीचे काजल लगा था और एक यहां पे कट लगाया था बस, और ये हाथ में टैटूज, यस यही था, बस यही लुक था। और यहाँ पे इवन जो मुझको जो इन्होंने चेन बनाई थी और ये जो बालियां बनाई थी ना लड़कियों की थी, जिसके लिए मुझे थोड़ा सा मेरे फैंस ने ट्रोल भी किया था कि भाई व्हाट इज दिस, लड़कियों की क्यों पहने। बाकी मायरा का देखो बंजारन लुक, यस, जो कि मेकअप डन बाय मायरा शर्मा, हां, जो कि बंजारन करती हैं। मतलब इसको भी मेरा तो बोल ले, नहीं तो मेरे लुक के बारे में यूं से नहीं, हां बताओ बता, एक्सप्लेन देखो कि कितनी अच्छी लग रही है। यहां पे प्लस का मार्क है, यहाँ पे डॉट्स है, है ना? मतलब ये मुझे देख के थोड़ा सा इनका यूपी एमपी राजस्थानी टाइप लुक दिखता है, जैसे वही हाँ तो वही दिखता है क्योंकि हम वैसे ही चाहते होते थे। और देखो यहाँ देखो मेरे कितनी अच्छी लगी, yes. मैं देखो कितना बढ़िया लग रहा हूँ, मेरे यहाँ पे टैटू भी है देखो। अपनी तारीफ में करनी है बात, मेरी चल रही है उधर भी अपना ही बता रहा। क्या कोई एक वेब सीरीज करना चाहोगे या मूवी? थैंक यू सो मच गाइस एंड हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। हैप्पी वैलेंटाइन्स डे।